हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आया हूं आपके सामने प्रैक्टिस सेट, जिसमें बात करूंगा मैथमेटिक्स से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो इसमें नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है 46, इसमें बोल रहा है अवकल। देखिए अवकल समीकरण दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है, ये इसको हल पूछ रहा है, इसका हल क्या होगा। तो देखिए अवकल समीकरण का हल क्या होगा, इसका हल निकालना है। कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, नहीं पता हो तो देखिए कैसे। सबसे पहले इस टाइप की कोई भी कंडीशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें इस फॉर्म में लेके आते हैं एक्स वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे, पहले डी एक्स से पूरे को डिवाइड करेंगे, इसके बाद हम इसे इस तरीके से लेके आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा था हमने डी वाई हमने डी एक्स से डिवाइड किया, तो डी एक्स से डिवाइड करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स इस तरीके से फाइंड हो गया था। आप खुद भी कर सकते हैं इस बात को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये देख सकते हैं, इसके बाद हमारी जो मेन बात आती है यहाँ पे आती है, हमें इस टाइप की इक्वेशन बनानी है। तो इस टाइप की इक्वेशन बनने के बाद आप देख सकते हैं कंपेरिजन करेंगे तो आप निकाल सकते हैं आराम से वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। तो पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या आएगी, हमसे 1/x, और क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकालेंगे। आप जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकल गया हमारे पास x, और बाकी के बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इस तरीके से करते थे, ओवर डी एक्स इस तरीके से करते थे। तो वही अप्लाई किया हुआ, माइनस कैसे आ गया यहाँ पे, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि क्यू क्या है, माइनस का 1 है यहाँ पे, तो क्यू माइनस का 1 था, इसलिए इसे सॉल्व करेंगे। आप कर सकते हैं आराम से सॉल्व। जब हमारा आंसर निकल के आएगा, इस कौन सा आया देख सकते हैं, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो गाइज आप देख सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है करेक्ट आ रहा है गाइज। इसमें आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी आपने सोल्व करके देखा भी होगा किस तरीके से सोल्व करना है। तो गाइज आपको ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें माध्यिका क्या होगी। माध्यिका आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे माध्यिका, पहले आप इसे क्रम में रखेंगे, तो आप इसे क्रम में रखने के बाद इसकी माध्यिका फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैं इसकी माध्यिका बता सकता हूँ किस तरीके से होगा। इसका माध्यिका आप निकालेंगे 71 आएगा इसकी माध्यिका, और 71 कैसे आएगी देखिए, आप इसे क्रम से रखेंगे। क्रम से मतलब आपने इंक्रीज फॉर्म में, जैसे डिक्रीजिंग लिखा रखा जाता है, इसे इंक्रीजिंग फॉर्म में रखना है। कैसे रखेंगे देखिए, आपके सामने क्या देखा, सबसे छोटा कौन सा इसमें 64, उसके बाद देखिए 54 भी है यहाँ पे, 54, 59, फिर 64, फिर देखिए आपके सामने क्या रखा है 67, 70, 72, 73, और आपका आया 78। तो ये आपके हो गए, ये आपका हो गया यहाँ तक, अब बस आपका 83 और 90। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 बन रहे हैं, और 10 में आप देख सकते हैं इसमें मिड तो नहीं निकाल सकते। तो मिड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 10 नहीं, 10 दे रखा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5। तो इधर से 5 काउंट करेंगे तो आपके आपके सामने आएगा 70, और इधर से 5 काउंट करेंगे तो आपके पास आएगा 72। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आएगा गाइस 142, और डिवाइड करेंगे आप इसे 2 से, तो आपके सामने निकल गया 71, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने रखा है, इसे कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को जब करना है आपको, तो आप इसका इस तरीके से 3-4 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले से, कॉन्जुगेट लेके। आप जानते होंगे किस तरीके से लिया जाता है, और नहीं जानते तो देख लीजिए कैसे लिया जाता है। अगर यहाँ नेगेटिव दे रखा है आईटा वाली कंडीशन, अगर गाइज आपके यहाँ आईटा वाली कंडीशन, जो आईटा वाला पार्ट दे रखा है वो नेगेटिव में है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव में होता तो क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेके चलते हैं। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25, और ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 प्लस आयोटा 25। तो देखिए 25 प्लस आयोटा 25 आएगा हमारे पास निकल के, और अपॉन में 25 है ही, और पावर क्या है आपके सामने 6 दे रखी पावर। तो देखिए 25 नीचे है, ऊपर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, और 25 से 25 सब कट जाएगा, तो ये कंडीशन बच जाती है आपके सामने। जब ये कंडीशन बच गई तो इसके बाद क्या करेंगे आप, इसका इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद आप जानते हैं जब इसको माइनस, ये कट गया माइनस का 1 से, प्लस का 1 कट गया, ये बचता है केवल। तो इसका आप जानते हैं 2 का क्या होता है, क्यू 8 होता है, और आयोटा का क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आईटा क्यू, तो आईटा क्यू को लिख सकते हैं आईटा इंटू आईटा का स्क्वायर, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, ये आया आयोटा, तो माइनस का आयोटा आपका निकल के आया। तो माइनस का आयोटा की वजह से आ गया माइनस का 8 आयोटा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट।
तो गाइस आप देख सकते हैं वाली बात ही, आपका आंसर जो कॉल आया निकल के ऑप्शन नंबर डी निकल के आया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये दे रहा है आपके सामने, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 1 निकल के आएगा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं इसका, क्यू वाला फॉर्मूला खोलना, तो क्यू वाला फॉर्मूला कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे, पहले कैसे निकाला जाता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखिए क्यू दे रखा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे गाइस, हम करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसमें से माइनस करेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए क्या थी 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 हो जाएगा, माइनस 2 क्या आया निकल के यहाँ से 7। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे 1 दे रखा था तो 7 निकल के आया, तो इनका स्क्वायर भी निकल के आ गया 7। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था हमने निकाला था 7 माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। तो देखिए क्या निकल के आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो कितना निकल के आया 18, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा गाइस इसे मैं करूँगा पहले 10 में कन्वर्ट करूँगा, 10 में दे रखा तो इसे साइन में करूँगा। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस तरीके से, तो देखिए कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है अभी कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगी कंडीशन। और जब ये कंडीशन बन जाएगी इसे कैसे सॉल्व करना होगा हमें, तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है, जब गई ये कंडीशन आ गई हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया। अब क्यों किया ये देखिएगा, जो 1/2 था वो तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, जब 2 का मल्टीप्लाई किया है, अब देखिए इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ गाइस, तो देखिएगा इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए एलसीएम तो हम देख सकते हैं, डिनोमिनेटर तो दोनों का एक जैसा ही है, तो न्यूमिनेटर देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं न्यूमिनेटर को, तो देखिए साइन से साइन कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के 2 कॉस एक्स निकल के आ जाएगा आराम से, और नीचे हमारे पास जो एलसीएम दे रखा है वही आएगा, क्लियर आराम से हो सकता है। तो ये तो कट गया आपस में, तो यहाँ 1 आया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, इस तरीके से लिखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसका तो एक्स आएगा, और सिंपली इसका करेंगे तो क्या होगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइस आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, इससे पहले भी मैंने आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन जो कराए थे उसमें बता रखा था कि जब भी आपके सामने इस टाइप की कंडीशन आ जाती है इसको कैसे सॉल्व करना होगा। देखिएगा देखिएगा जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, क्वेश्चन ये था, इसे मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए हमने क्या किया, ऊपर वाली हाईएस्ट जो लिमिट दे रखी क्या दे रखी, नीचे 0 दे रखी होनी चाहिए, और ऊपर में ज़्यादा पाई बाई 2 हो या पाई बाई 4 कुछ भी हो, मतलब पाई बाई 2 हो या फिर पाई होना चाहिए या 2 पाई होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए जिससे हम कन्वर्ट होता है जिस नंबर पर, जैसे आप जानते हैं पाई पर चेंज होता है, या फिर हम बात करते हैं पाई बाई 2 पर चेंज होता है, या 2 पाई पर चेंज हो जाता है, या 3 पाई अपॉन 2 पे होता है, इस तरीके से आपको पता होगा अच्छी तरह से। तो वैसे 270 आना चाहिए, 270 माइनस थीटा इस तरीके की फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ कर देंगे पाई माइनस एक्स, हर जगह कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है सिर्फ डी एक्स को छोड़ के, तो करेंगे तो देखिए हम जैसे इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास निकल के ये आता है, क्योंकि साइन तो चेंज होता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस चेंज होता है, कॉस भी चेंज नहीं होता, 180 पर कोई भी चेंज नहीं होता, जो थीटा दे रखा है वही थीटा रहता है, आप जानते हैं इतना, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे, बार बार मैं बोलता हूँ ये जानते होंगे, क्योंकि गाइस मैंने आपके लिए सामने इसकी संबंधित जो वीडियो डाल रही थी उसमें बता रखा था अच्छी तरह से कि जब ट्रिग्नोमेट्री कराई थी उसमें बताया था किस तरीके से चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता, तो आपने अगर नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप इसे करेंगे तो आपको आराम से हो जाएंगे सॉल्व ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे आपके सामने। तो देखिए साइन 180 माइनस एक्स मतलब क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो क्या आ जाएगा आपके सामने साइन एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, चिन्ह जो होते हैं चिन्हों का फर्क पड़ता है, बाकी का जो कॉस दे रखा तो कॉस ही रहेगा, कॉस किस किस पर रहेगा 180 पर 360 पर और 0 पर, इन पर चेंज नहीं होता, कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, जो दे रखा है वही रहेगा, लेकिन इनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो इसकी बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट कौन से में आएगा, ये भी इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक ये ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो क्या होगा कॉस नेगेटिव में होगा, क्या आ जाएगा माइनस का
कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स आया है गाइज, आप देख सकते हैं ऊपर स्क्वायर दे रखा ऑलरेडी, तो स्क्वायर दे रखा था उसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा इसलिए तो ये निकल के आया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो देख सकते हैं ये इक्वेशन तो दोनों एक जैसी, ये और जो कट जाएगा केवल पाई वाली फॉर्म रह जाएगी, पाई के साथ वाला मल्टीप्लाई रह जाएगा। तो देखिए पाई के साथ वाला मल्टीप्लाई रह जाएगा इस तरीके से, ये रह गया। अब मान लेते हैं हम कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिमिट चेंज कर दी है, लिमिट चेंज करना आप जानते होंगे, देखिए लिमिट चेंज करना कुछ फ्रेंड्स नहीं जान पाते होंगे कैसे निकालते हैं, देखिए लिमिट ऊपर जो दे रखी है उस लिमिट को कैसे चेंज किया जाता है समझिएगा। आपके सामने दे रखा है कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो देखिए जब कॉस दे रखा था कॉस और साइन, जब एक्स दे रखी थी इस जगह तब हमारा पास क्या अपर लिमिट दे रखी है आपके सामने पाई, तो हम क्या करेंगे कॉस पाई इक्वल टू टी, आप जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन, तो हाईएस्ट लिमिट क्या होगी अब यहाँ पे माइनस का वन, समझ सकते हैं क्या होगी माइनस का वन, और नीचे अब लोअर लिमिट देखेंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू टी है तो लोअर लिमिट पुट करिए एक्स की जगह, क्या पुट करेंगे जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है गाइस, और टी की वैल्यू क्या होगी वन, तो लोअर क्या होगी वन और अपर क्या होगी माइनस का वन, देख सकते हैं इसलिए लिमिट चेंज कर दी, और दोनों को ऐड किया था टू आई आया हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। अब हमने क्या किया आप जानते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ तक तो नेगेटिव में था लेकिन यहाँ पॉजिटिव में हो गया, कैसे हमने क्या किया दोनों की लिमिट को चेंज कर दिया, तो लिमिट को चेंज किया ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर, इस तरीके से माइनस का चिन्ह आ जाता है आगे, जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो ऊपर आगे माइनस का चिन्ह आता, तो माइनस का ऑलरेडी दे रखा था तो माइनस माइनस प्लस इसलिए हो गया। ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये देखिएगा अब हमने क्या किया यहाँ से वन हटाया, क्योंकि लिमिट जब एक जैसी होती है गाइस ऊपर और नीचे, हम क्या कर सकते हैं एक नीचे वाली लिमिट को हटा देते हैं, नेगेटिव में होनी चाहिए बट नेगेटिव में होनी चाहिए, तो टू से टू कट गया तो ये कंडीशन बचती है ये, इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से, सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की जो लिमिट दे रखी है लिमिट क्या दे रखी है जीरो से वन, तो जीरो पुट करेंगे वन पुट करेंगे पहले तो फिर जीरो पुट करेंगे, ये किसकी होती है पाई बाई फोर की, और ये किस जीरो किस पे होता है जीरो पे होता है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा इस पाई स्क्वायर अपॉन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, या ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा है, ये भी इंटीग्रेशन आपके सामने दे रखा है, तो गाइस इस बात से आपको ये समझ तो आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट जितनी भी आपके लिए कराएं कि प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपको करा रहे हैं हम उनमें आपने देखा होगा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा आता है देखने को, तो इन टॉपिकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब कैलकुलस पर अपना बहुत फोकस रखिएगा। चलिए तो देखिए गाइस कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये देख लीजिए, हम करेंगे वन प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसका वन का वन स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन बनेगी, और ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था इस तरीके से आ गया, ये बन जाती है हमारे पास कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, आप इसे जानते हैं आराम से अलग अलग वो कर लेंगे, पहले वन के नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, फिर हम करेंगे साइन के नीचे डिवाइड तो ये कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि हमने कैसे किया ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स दो बार लिख दिया हमने, कॉस एक्स स्क्वायर को हमने, ये बन जाएगा टेन, और इसको ऊपर लेके जाएंगे वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है ये सेक एक्स होता है इस तरीके से। अब आप इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, इसका क्या होता है सेक एक्स होता है प्लस सी, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइस जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें आपसे पूछा डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, तो देखिए गाइस इसे हम कैसे करेंगे, ये इन्फाइनाइट तक दे रखा है गाइस, आपने इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, देखिए डॉट 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 दे रखा है इन्फाइनाइट तक, इसमें कोई आपने दे रखा है स्टॉप तो नहीं दे रखा कहीं भी, क्योंकि डॉट 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 इस तरीके से दे रखा है सो ऑन तक। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये वाई के इक्वल है तो वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इस तरीके से आएगा, तो इसकी जगह भी हम क्या कर सकते हैं पुट वाई को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब इसका आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका आप करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई इक्वल टू, और आप जानते हैं साइन एक्स का क्या कहेंगे कॉस एक्स होता है प्लस वाई था, तो वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इस तरीके से। अब इसे हम एक साइड में लेके जाएंगे सबको, तो एक साइड में लेके जाएंगे तो देखिए इधर किसका पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव में हो जाएगा तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ पहले से ही, तो यहाँ बचेगा टू बाई माइनस का वन, और इधर आ गया आपके सामने कॉस एक्स, ये बचता है इससे डिवाइड कर देंगे इसे, तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, समझ पा रहे होंगे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्या जाएगा इसे
इसके नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकल के। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल सी कैसे निकाला जाता है देखिएगा, पहले कोई भी एंगल आपसे पूछ रहा है तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है समझिएगा। देखिए जो वैल्यू आपके सामने दे रखी थी ए बी सी की वैल्यू दे रखी थी, और आपसे कोण मतलब जो एंगल पूछ रहा था सी क्या होगा, तो एंगल सी निकालना तो कैसे तरीके से निकालना है, देखिए कॉस सी निकालना है हमें, तो देखिए इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे यहाँ बोला जाए तो ए निकालना है तो ए माइनस में होता और यहाँ क्या होता बी प्लस सी होता, मतलब समझ पा रहे होंगे इस फॉर्मूले से समझ जाइएगा कि यहाँ पे सी दे रखा है तो यहाँ सी माइनस करना है हमें, सी की वैल्यू जो साइड सी स्मॉल सी कैसे डिनोट करती है साइड को करती है, और कैपिटल सी एंगल को डिनोट करता है, याद रखिएगा इस, तो स्मॉल सी दे रखा है ये तो माइनस कर देंगे। अगर ए होता तो ए माइनस करते हैं, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया ए और बी, कब कब आया ए बी, जब हमें क्या निकालना है यहाँ से एंगल सी निकालना है तब। अगर एंगल ए निकालना होता तो यहाँ क्या होता बी एंड सी होता, और ऊपर क्या होता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ होता माइनस का ए स्क्वायर, इस तरीके से होता। ठीक है, अब देखो हमें निकालना सी की वैल्यू, तो सी एंगल निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आप समझ सकते हैं वैल्यू रख देंगे सबकी, उसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब इसे सॉल्व करेंगे वन अपॉइंट टू जानते हैं कॉस सी में वैल्यू किसकी होती है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है वन अपॉइंट टू, ये होती है गाइस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1.2। तो गाइस आपका एंगल आया 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं गाइस इसे क्या करता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ टोटल को, इसको भी एक्स मान लेता हूँ, सब एक जैसी वैल्यू है तो एक एक्स मानेंगे तो क्या बन जाएगी ये कंडीशन, ये बन जाएगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, इस तरीके से आता जाएगा गाइस। ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग में, लॉग जब होता था वन प्लस एक्स तो क्या होता था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन क्यू सॉरी थ्री माइनस, मतलब आप देखेंगे साइन इनके कैसे साइन चलते हैं, अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहले प्लस फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर ये माइनस में होता है वन माइनस एक्स होता है तो क्या होता है सबके सामने माइनस होता है, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू सॉरी फिर से माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री, इस तरीके से होता है सबके सामने माइनस होता है, सब नेगेटिव में होते हैं। अगर नेगेटिव का साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से पॉजिटिव में कर दूँ सबको, कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेम ये कंडीशन आ रही है नहीं आ रही, देखिए सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं गाइस ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया अभी इस तरीके से। देखियो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये एक्स जब ये एक्स था तो ये कंडीशन बन रही थी, हमने क्या किया माइनस अगर इस यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं तो देख सकते हैं जब हमने यहाँ से माइनस को हटाया और यहाँ लगा दिया तो सेम ये कंडीशन बन रही है नहीं बन रही, इसको बस एक्स मान लीजिए पूरे को तो यही कंडीशन बनेगी पूरी। तो देख सकते हैं हमने एक्स की जगह जब ये पुट किया इसे सॉल्व किया अंदर, ए से ए कट गया तो क्या आया बी अपॉन ए आया, इस तरीके से माइनस का चिन्ह आगे लगा हुआ है, और आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करना आप जानते हैं, ये क्या जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए, तो माइनस का साइन आगे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, और इसका दूसरा आंसर गाइस आपका हो सकता है लॉग ए अपॉन बी, क्या हो सकता है ए अपॉन बी। गाइस हम यहाँ भी कर सकते थे जो आपका आंसर यहाँ अंदर करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं, इस नेगेटिव साइन को हटाना है तो क्या कर सकते हैं लॉग पलट सकते हैं इन्हें ए अपॉन बी, इस तरीके से पलट सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइस जो आपका ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपको इसके सॉल्व करना है, कैसे करेंगे गाइस इसे भी आप देखिए सॉल्व करना सीख लीजिए समझ लीजिए ढंग से, इसको कैसे करेंगे आप क्या करेंगे dx ओवर dt निकालेंगे पहले, इससे निकालेंगे dy ओवर dx, तो देखिए सॉरी dy ओवर dt निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझिए। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे सामने दे रखे थे dy ओवर dx हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना होगा देखिए हमने क्या क्या निकाला पहले dy ओवर dt निकाला, तो dy ओवर dt यहाँ से निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, dx ओवर dt निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूँगा इक्वेशन सेकंड से, तो हमारे पास dy ओवर dx और ये आ जाएगा इस तरीके से, a से a कट जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी गाइस, ये कंडीशन बन जाएगी। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला हम ब्रेक कर देंगे इसको, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक 2x होता था तब क्या होता था 2 sin x cos x होता था, सेम वही फॉर्मूला है यहाँ दे रखा है sin t, तो इसको क्या कर दूंगा 2 sin t by 2 cos t by 2, तो सेम वही क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला है, और ये जानते क्या होता है ये 2 cos square t upon 2,
देख सकते हैं टू से टू कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टेन टी अपॉन टू, माइनस का टेन टी अपॉन टू। देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होकर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये इसमें पूछ रहा है, ये आव्यूह दे रखा है आपके सामने, मैट्रिक्स दे रखी है गाइस, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब समझते हो आप क्या होता है? तो देखिए नहीं समझते तो देखिए इससे हम बोलते क्या हैं। देखिए इसने बोला था ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, इसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो तब उसकी कंडीशन क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है कोई भी तो वो ये होता है, इसका मॉड निकालें तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होता है। मतलब इसका सार डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप, क्या होता है जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो वही करेंगे सेम। तो डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या कर देंगे, इसे ए मान रखा है तो हम क्या करेंगे, इसे डिटर्मिनेंट लेंगे और जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए जब हमने जीरो के इक्वल पुट किया, इसे सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, जब से सॉल्व करना आप जानते हैं, आपने आराम से किया होगा ट्वेल्थ क्लास में, आराम से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखा होगा, कुछ फ्रेंड्स ने ट्वेल्थ में, कुछ ने इलेवंथ में भी सीखा होगा। तो देखिए वन ये वन मतलब ये लिया हमने वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बाद में फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे जब सॉल्व किया तो समझ सकते हैं, तो जीरो बन गया डायरेक्टली, ये आएगा आपके सामने फोर निकल जाएगा, फोर माइनस का फोर आएगा, माइनस का फोर का मल्टीप्लाई माइनस के थ्री से करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का ट्वेल्व। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, जब इस तरीके से हमारे पास फाइंड होने के बाद देखिए माइनस से माइनस कटा सिक्स टाइम, और यहाँ से हमारे पास निकल के आया अल्फा की वैल्यू, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से फोर निकल के आती है। तो गाइज आपका जो आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए इसका परास पूछ रहा है गाइज, देखिए परास निकलेगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा देखिए, हमें क्या करना है, इसमें बोल रहा है आपसे इसका परास क्या होगा। तो देखिए परास का मतलब क्या होता है, परास रेंज निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं देखिएगा, पहले सिर्फ वाई के इक्वल पुट करते हैं, तो वाई के इक्वल पुट करेंगे तो उसके बाद निकलती है हमारे पास रेंज। ठीक है, परास निकल जाएगा उससे, परास को हम रेंज बोलते हैं, और उसका दूसरा होता है प्रांत, प्रांत भी बोला जाता है गाइस जिसे। ठीक है, तो देखिए वाई के इक्वल पुट करेंगे, तो वाई के इक्वल पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आती है, वन प्लस वाई के इक्वल पुट किया हुआ तो इस तरीके से आ गया। अब एक्स को मैं इधर लेके जाऊँगा गाइस, इस वाली कंडीशन को चाहे इसे में इधर लेके आ जाता हूँ, तो वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बचेगा वाई माइनस का वन, तो वाई माइनस का वन, वाई माइनस वन से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस वन, तो एक्स निकालूंगा तो क्या निकलेगा, वन अपॉन अंडर रूट वाई माइनस, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है गाइज, इतना आप समझ पा रहे होंगे, इतना ही आपको। अब देखो इसमें बोल रहा क्या है, जो हमारे पास इसकी डोमेन निकालना आप जानते हैं, डोमेन का मतलब क्या होता है, इसका इसकी मतलब कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि अनडिफाइंड हो जाए, तो मतलब x इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बस एस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो ये फाइंड नहीं हो पाएगा गाइस। ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए, जब उसने बोला x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने बोला कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x के इक्वल ये रख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरीके से। तो इसे हम पछा उसका चेंज कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं, तो इसे पलटेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसे पलट सकते हैं, पलटेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, मतलब उसने ये बोला कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फाइनल तक पहुँच जाएगा ऐसे, तो क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो बोला, तो नॉट इक्वल टू जीरो बोला था इसने वन अपॉन इसको, तो नॉट इक्वल टू जीरो बोला था, मतलब जीरो लाई नहीं करेगा इसमें, जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये सेट हो गया हमारे पास निकल के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें बोल रहा है आपसे 52 पत्तों के एक पैकेट में से तीन कार्ड निकालने हैं और तीनों कार्ड लाल होने की प्रायिकता, तीनों कार्ड लाल हैं तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा इस कैसे निकलेगा, उसे बोला तीनों कार्ड मतलब लाल होने की कंडीशन बोल रहा है, तो देखिए 52 पत्तों में से कितने कार्ड निकालने, पहले ये देखिए तीन कार्ड निकालने हैं और ऊपर बोला तीनों कार्ड लाल होने चाहिए, तो मतलब लाल कितने कार्ड होते हैं आप जानते होंगे, 26 होते हैं 26, और कितने निकालने हैं, तीन निकालने हैं। तो देखिए निकालिएगा, इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसे आंसर निकल के आएगा, देखिए इसका आएगा फैक्टोरियल 26 अपॉन, नीचे देखिए फैक्टोरियल 3 आएगा एक, तो और आएगा इसमें माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 23 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ देखिएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ होगा आपके सामने फैक्टोरियल 49
इस तरीके से, तो 3 से 3 जो कट गया। इसे आप सॉल्व करेंगे गाइस, सॉल्व करना आप जानते हैं, इसे सॉल्व करेंगे देखिए कंडीशन कैसे निकल के आती है, यहाँ निकल के आएगी गाइस 26 × 25 × 24 और आगे आएगा फैक्टोरियल 23, तो 23 से 23 कट गया। ऐसे यहाँ नीचे निकालेंगे, नीचे कैसे निकल के आएगा 52 × 51 × 49, तो गाइस वहाँ से दे रखा था, मतलब आप इसमें से माइनस करेंगे 3, तो 3 करेंगे माइनस करेंगे आप इसमें से 3 माइनस करते हो तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आएगा 49। तो इस गाइज आगे सॉरी यहाँ 50 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा ये 50। इसे आप मल्टीपल इसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिवाइड किया 2 से, 2 टाइम्स हुआ, अब देखो इससे ये डिवाइड किया 2 टाइम्स हुआ, इससे डिवाइड किया ये 12 टाइम्स, इससे डिवाइड किया 6 टाइम। तो देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 से क्या आएगा 2 टाइम्स, और 3 से इसे डिवाइड किया 17 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आया 2/17। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि देखिए कौन सा, इसमें देखिए ये बोल रहा है निरूपित कर रही है, मतलब किसको कर रही है, व्रत की समीकरण को। और आप जानते हैं व्रत की इक्वेशन क्या होती है, मेनली व्रत की इक्वेशन होती है गाइस ये 2 gx हो गया, ये बोलते हैं fy प्लस सी, ये होती है कंडीशन इक्वल टू 0। तो देखिए कंपैरिजन अगर करके देखें इसमें, तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, देखिए x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x 0 तो कर नहीं सकते इसमें, y को भी 0 नहीं कर सकते, केवल h है, h को 0 मान सकते हैं हम। तो एक h कहाँ 0 है, यहाँ भी 0 दे रखी है, और h किस में 0 दे रखी है, इसमें 0 दे रखी है, ठीक है। अब बसता है आपके सामने a और b, तो देखिए a और b वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है आपके सामने, यहाँ a लगा दें b लगा दें, तो a और b इक्वल होंगे हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आपने इक्वेशन देखी होगी, अगर सर्कल की इक्वेशन देखी होगी तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होते हैं गाइज वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल होंगे तभी तो एक कंडीशन सर्कल की बन सकती है, और ये 0 होनी चाहिए, और ए और बी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, आप जानते हैं 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल कर दिया तो ये एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो कॉपिशेंट दे रखे होते हैं गाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, कॉपिशेंट हमेशा इक्वल होते हैं, मैंने क्या बोला इक्वल होते हैं, कॉपिशेंट इक्वल होते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये कंडीशन अगर सर्कल की होती तो, बोल रहा है ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन है तो इसमें कौन सी कंडीशन हमारी करेक्ट होनी चाहिए, कौन सी इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर होनी चाहिए पहले तो ये बात है, क्योंकि हमेशा कॉपिशेंट इन दोनों के बराबर होते हैं, बराबर हो गए, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक्स और वाई तो 0 हो नहीं सकता हमेशा, क्योंकि x और y 0 हम नहीं लेते कभी भी, जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन कभी होता है 0 x और y नहीं होता गाइस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखें h तो हमारे पास ये कंडीशन तो होती नहीं कहीं, ये हमारे पास 2 h ये एक्स वाई और h ये कहीं होता है, नहीं होती हमारी कंडीशन में, मतलब हमारी जनरल इक्वेशन में कहीं भी दे रखी है आपके सामने ये नहीं दे रखी गाइस, 2 h एक्स वाई दोनों नहीं दे रखे हमारे पास, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, h की वैल्यू 0 होगी, तो h की वैल्यू 0 होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सॉरी जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 22 के बाद सॉरी 62 के बाद मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपके लिए गाइस, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 28 मिनट्स की ये वीडियो बन चुकी है, तो अगली में कराएंगे आपके लिए। आप बोलेंगे बहुत लेंथी करा रहे हैं हमारे लिए, तो गाइस लेंथी जो आपके लिए करा रहे हैं, 12th क्लास में आप जानते हैं 12th क्लास में ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मिल पाती, जो थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं गाइस उसके लिए हम यूज कर देते हैं आपके सामने, बता भी देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम आंसर की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आंसर की तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है उधर से तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से हमें आसानी होती है कि आराम से सॉल्व हो सकता है उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज अभी इसके बाद हम कराएंगे आपके हमने नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।